जब भी आप कभी गुलाब जामुन बनाएं और आपकी चाशनी ज़्यादा एक्स्ट्रा बच जाए तो उसका सही इस्तेमाल कैसे करें, चलिए आज मैं बताती हूँ। उसके लिए मैंने एक कपाटा लिया है, उसमें एक चुटकी नमक डाल दिया है। एक कपाटे में ही बता रही हूँ, अगर आपको ज़्यादा बनाना होगा तो क्वांटिटी बढ़ा लीजिएगा। और इसमें मैंने 1/4 चम्मच ये देखिए सोडा डाल दिया है, खाने वाला जो सोडा होता है ना, मीठा वाला सोडा, वो डाल देंगे। और 1 चम्मच खूब अच्छे से इसमें सौंफ डाल देंगे, फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है इसमें सौंफ का, मिक्स कर देंगे हाथों से अच्छे से। अब देखिए ये पूरा भर के 1 कटोरा चाशनी बच गया था, गुलाब जामुन मैंने बनाया था, आपने रेसिपी देखा होगा उसका, तो चाशनी एक्स्ट्रा बच गया था। तो कोई भी सामान फेंकने से अच्छा है कि उसको अच्छे से कहीं इस्तेमाल कर लें, तो आप इस तरीके से भी बच जाए तो इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसी चाशनी से मैंने गूँथ के ये आटा तैयार कर लिया, थोड़ा सा बच गया है चाशनी, इसका मैं और कुछ दूसरा इस्तेमाल करूँगी और करके इसको ख़त्म कर दूँगी। 5 मिनट मैंने रेस्ट के लिए आटे को छोड़ दिया है, उसके बाद से इसके बड़े बड़े लोई बना के और बेल लेंगे। ग्लास के हेल्प से इसको अच्छे से ऐसे गोल गोल, थोड़े से मोटे पूड़ी से थोड़ी सी मोटी मीठी पूड़ी बना के इसको तैयार करेंगे। और इसको देखिए इस तरीके से थिकनेस आप देख सकते हैं, पूड़ी सी मोटी है इस तरीके से, और बेल के रख लेंगे। मीडियम फ्लेम पे तेल को गरम करेंगे और एक एक ये गुलगुल्ले को कढ़ाई में डाल के इसको हम फ्राई करेंगे। देखिए झटपट मैंने तुरंत जाके बना भी लिया, कितनी फुली फुली ये गुलगुल्ले बन के तैयार हुए हैं। तो जब भी आपको आसान वाला गुलगुल्ला बनाना हो तो इस तरीके से बचे हुए चाशनी का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। और इस सारे गुलगुल्ले फूलेंगे और बहुत ही मुलायम और सॉफ्ट बन के तैयार होंगे। पहले गुलगुल्ले लोग बनाते थे ना, तो आटे जैसे गूँथ के 1-1 घंटा 2-2 घंटा रखते थे, लेकिन ये मैंने इंस्टेंट बनाया है। आप देख सकते हैं वीडियो में सभी के सभी गुलगुल्ले फूले हैं, एक भी ऐसा गुलगुल्ला नहीं मिलेगा जो फूला नहीं हो। अब बहुत ही मुलायम और सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है, तो आप भी बचे हुए चाशनी का इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो इस तरीके से कभी भी आपके पास चाशनी बच जाए ना, तो आप ऐसे ज़रूर इस्तेमाल करके देखिएगा, दूसरी रेसिपी भी बन जाएगी और चाशनी भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने थोड़ा सा 1 कप आटे का बनाया था तो इसलिए थोड़ी सी चाशनी बच गई थी, अगर मैं 2 कप आटे का बनाती तो पूरा चाशनी इसमें लग जाता। तो चलिए अभी इजाज़त चाहती हूँ, फिर मिलूँगी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।